एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में गोपाल दा और राजू सेठ उतरे मैदान में। चुनाव चिन्ह तराजू के प्रचार करने के दौरान युवाओं द्वारा राजू सेठ और गोपाल दा के साथ ली सेल्फी। नालछा में जनपद क्रमांक 16 से निर्दलीय प्रत्याशी मनोज मोदी उतरे मैदान में। दमखम से मालवा के स्टार प्रचारक के रूप में फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमेशा छाए रहने वाले गोपाल दा और राजू सेठ के द्वारा नालछा नगर में निर्दलीय प्रत्याशी मनोज मोदी का जनसंपर्क किया गया, जिसमें युवाओं में भारी भारी उत्साह जागा और राजू सेठ और गोपाल के साथ में युवाओं ने सेल्फी लेकर मोबाइल के स्टेटस और फेसबुक पर डाला, जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी मनोज मोदी का चुनाव चिन्ह तराजू का भारी प्रचार देखने को मिला और गोपाल दा और राजू सेठ द्वारा तराजू पर मोहर लगाकर जनता से विनती की गई कि भारी से भारी मतों से इन्हें विजय बनाए जाए। नालछा से विनीत यादव की रिपोर्ट। गोपाल दा को केनु है वोट तो मनोज भैया का तराजू पर केनु है। मेरा प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। आज नालछा में निर्दलीय प्रत्याशी मनोज जी मोदी का प्रचार करने पधारे हैं गोपाल दा। जानेंगे हम उनसे कि आज किस प्रकार प्रचार करा, कैसा आनंद मिला उन्हें। गोपाल दा बहुत अच्छो लगे हमारा कि इनको प्रचार करना आयो, मनोज भैया को गांव में भी बहुत प्यार मिलियो, हमारो बहुत स्वागत भी करियो और ऐसो लगे कि मनोज भैया की जीत है। इनका चुनाव चिन्ह के लिए आपने जो वीडियो बनाए उसमें क्या आपके जो शब्द थे, जो आपने डायलॉग बनाए थे, वो कैसे डायलॉग थे? कि जनपद पंचायत नालछा का वार्ड क्रमांक 16 से मनोज जी जैन मोदी जी खड़ा हुआ है, तो इनका ही वोट देनु है तराजू पे और जिताना है। बहुत अच्छा आदमी है, अच्छा स्वभाव का आदमी है, सिंपल है और काम बिल्कुल सबका एक साथ में, जो भी आएगा आधी रात का तैयार रहेगा काम करने का लिए। ऐसा नहीं कि कोई निजी काम करेगा, सार्वजनिक काम करेगा और बहुत अच्छो काम करेगा। और महारा इनका यहाँ आयो तो मैंने देखियो जनसंपर्क में कि ऐसा लगियो जनता का देखते हुई कि मनोज भैया की जीत है 100%। जिस प्रकार आपने देखा है कि आज गोपाल दा यहाँ प्रचार प्रसार के लिए आए और जनता का जो आशीर्वाद मिला उन्हें, उनसे बता रहे हैं कि 100% जो है मनोज जी मोदी की जीत निश्चित है।